हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, काफी हलचल है इस स्टॉक के प्राइस में आजकल। इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है, कल 20% अपर सर्किट था, आज एक टाइम 10-11% अप था, मगर थोड़ा सॉफ्ट क्लोज किया है 491 के आसपास। है क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में? चलिए जान लेते हैं क्या है इस कंपनी में, क्या करता है, क्या बिजनेस है इसका, कौन है इसका क्लाइंट, इसके फिनेंशियल्स, इसके वैल्यूएशन, सारा डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। हाय, दिस इज अनिक मित्रा, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान फूड्स के बारे में बोलने जा रहा हूँ। आई हैव अ डिक्लेरेशन बिफोर स्टार्ट। दिस वीडियो इज मेड फॉर knowledge sharing purpose, this is not a buy or sell recommendation. Ek intimation aapko, if you have any query, any doubt on any stock you are holding, koi particular stock pe agar aapko koi query hai jo aap hold kar rahe ho, aap trap ho gaye ho, aapko decision lene mein takleef ho raha hai ke ye stock aap hold karoge, sell karoge, to write in my comment box, I will resolve your query with the research. तो चलिए शुरू करता है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो हुआ कंपनी का एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लिमिटेड और गोवा बेस्ड डेमो ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर था, उसके उस दोनों कंपनी मिलके इसका इस कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड को बनाया। इनिशियली ये कंपनी ग्लैक्सो के लिए फेरेक्स ब्रांड जो है वो फेरेक्स ब्रांड का प्रोडक्ट बनाता था। फेरेक्स बेबी फूड का एक ब्रांड है जो इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, अभी भी मार्केट में देखने को मिलता है फेरेक्स। तो ये ग्लैक्सो का प्रोडक्ट है, बस वही सिंगल ब्रांड कंपनी था ये हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो सिंगल ब्रांड होने के कारण वो कंसिस्टेंटली लॉस में चल रहा था काफ़ी समय तक। 2013 के बाद इसका जो एक प्रोमोटर डेमो ग्रुप इसे एग्जिट किया और उसका पूरा स्टेक ले लिया वैनिटी केस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या करता है ये कंपनी, क्या बिजनेस है? ये थर्ड पार्टी एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग में है। क्या करता है कि थर्ड पार्टी एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग मतलब में बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, या तो फिर सारा अपना ब्रांड्स जो है वो सारा खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ये तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, मैरिको ले लो, जो भी है सारा कंपनी खुद का मैन्युफैक्चर, सारा प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। इन लोगों का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो वो लोग आउटसोर्स कर देता है थर्ड पार्टी को। तो ये थर्ड पार्टी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड ऐसा एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है जो बड़ा ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस कंपनी का 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज पर FY21 एनुअल रिपोर्ट, 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 11 लोकेशंस में। तो थोड़ा समझेगा इसका बिजनेस मॉडल, इसका दो टाइप का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ये लोग दो टाइप से यूज करता है। एक होता है इन लोग का डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक कंपनी का एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए या दो तीन ब्रांड एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये डेडिकेट करके रखा है, यानी कि एक फैसिलिटी एक क्लाइंट और मे बी 2-3 ब्रांड्स, ये हो गया डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और एक है कि शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में फायदा क्या है कि इसमें थोड़ा कॉस्ट रेशनलाइजेशन हो जाता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत अच्छा आता है। तो ये शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी का एडवांटेज है। इसमें ये लोग क्या करता है कि एक फैसिलिटी में एक से ज़्यादा ब्रांड के लिए, एक से ज़्यादा कंपनी के लिए वो लोग मैन्युफैक्चर करता है। हो सकता है एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में वो मान लीजिए HUL के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैरिको के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेम फैसिलिटी में होता है। ये दो टाइप का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ये लोग ऑपरेट करता है। और बिजनेस मॉडल में और एक खास चीज इन लोगों का है कि प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग?
बेसिकली ये क्या करता है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो करता है दूसरा कंपनी के लिए, होता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका पूरा फॉर्मूला ही हिंदुस्तान फूड्स के पास हो, जिसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके पास फॉर्मूला भी नहीं है, वो बस कंपनी से लेके अपना लेवलिंग करके मार्केट में सेल करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो भी हिंदुस्तान फूड्स के पोर्टफोलियो में है। तो ये है हिंदुस्तान फूड्स का तीन टाइप का बिजनेस मॉडल, देखता है इसका पार्टनर्स या क्लाइंट। जाइडस वेलनेस, हिमालय हर्बल, इमामी, पेप्सिको, विप्रो का एक एफएमसीजी डिवीजन है, आपको मालूम होगा कि पर्सनल केयर होम केयर प्रोडक्ट्स विप्रो बनाता है। तो ये विप्रो का जो होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान फूड्स करता है। तो ऐसा क्लाइंट बेस है इन लोग का, बहुत सारा रिनाउंड क्लाइंट्स है, सारा का नाम हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। अब देखिए ये कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि ये अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये हार्डकोर एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग में था, अब इसके साथ ये आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले रहा है। यूपी में ये एक प्लांट सेटअप किया है, उसका ये पिछले क्वार्टर में मतलब Q1 23 में, FY 23 में इसका ट्रायल, इस आइसक्रीम प्लांट का ट्रायल हो चुका है सक्सेसफुली। फर्स्ट लॉट जो आइसक्रीम का डिस्पैच भी हो गया अप्रैल में, और कंपनी बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 15,000 लीटर्स ऑफ आइसक्रीम बाई FY 23, पूरा साल में 15,000 लीटर का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके लिए टोटल खर्चा हुआ 125 करोड़ केपिक्स। इसके साथ देखिए ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, फिर भी ये एफएमसीजी से रिलेटेड है। अब वो और डाइवर्सिफाई कर रहा है, शू मैन्युफैक्चरिंग में ये एंट्री कर रहा है, स्पोर्ट्स शू। तमिलनाडु में ये प्लांट सेटअप किया है स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो शू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग वसाई में, मुंबई के वसाई में जो ये लगाया है उसका भी सक्सेसफुली काम हो गया है। यहाँ पे ये लोग इंजेक्शन मोल्डेड सैंडल्स और फ्लिप फ्लॉप्स मैन्युफैक्चर करेगा। अब एक्विजिशन इन लोगों का एक मेजर मुद्दा है, काफ़ी न्यूज़ में होता है ये कंपनी एक्विजिशन के वजह से। तो बेसिकली ये मैसूर का एक बेवरेज प्लांट को एक्वायर किया है। इस प्लांट में कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है दैट इज हेक्टर बेवरेजेस। आपको पेपर बोट प्रोडक्ट, पेपर बोट जो ब्रांड है उसके बारे में मालूम ही होगा। तो ये आपका मिल्क शेक्स, फिर वैसा मिल्क रिलेटेड, जूस रिलेटेड चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, मतलब सेल करता है। तो उसके लिए ये मैसूर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेगा। और इस कंपनी का एक मेजर ट्रिगर, हिंदुस्तान फूड्स का एक मेजर ट्रिगर था, कुछ एक क्वार्टर पहले इसका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ इसका टाई अप हुआ कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए ये मैन्युफैक्चर करेगा। सो दैट इज अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी। इसके साथ ये फिर वापस एक्विजिशन कर रहा है रेकिट बैंकिसर स्कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है रेकिट के साथ इस कंपनी का मतलब हिंदुस्तान फूड्स का रिलेशन काफ़ी साल से, FY 18 में एक 7 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हिंदुस्तान फूड्स के साथ इस कंपनी का। तो FY 18 में 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मगर वो क्लोज होने से पहले ही हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड इस रेकिट का शेयर एक्वायर कर रहा है। तो रेकिट क्या करता है, रेकिट एक नोन ब्रांड है उसके मॉर्टिन के लिए, मॉर्टिन प्रोडक्ट सबको मालूम है। तो ये मॉर्टिन का ब्रांड रेकिट को ये एक्वायर कर रहा है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका ये रेकिट बैंकिसा स्कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो बिजनेस है उससे FY 23 में 100 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, ये मैनेजमेंट का टारगेट है। इसके अलावा ये एक कोयम्बटोर में एक माल्ट बेवरेज का प्लांट भी एक्वायर किया है। तो करेंटली इसका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो थोड़ा डिले में है, हैदराबाद में एक बार्स एंड सोप्स का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है जो थोड़ा डिलेड है, और मैनेजमेंट्स बोल रहा है कि इस डिले का कारण है कि
थोड़ा स्लो डाउन इन द एफएमसीजी सेक्टर जो हम लोग अभी विटनेस कर रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर में स्लो डाउन है, उसके वजह से इसका थोड़ा बीच में रुक गया था काम प्लांट का, मगर दे हैव अगेन कमेंस्ड इन जून 2022 जो मैनेजमेंट बोला है। और इस प्लांट के लिए ये लोग 150 करोड़ का केपेक्स तय किया है। तो चलिए प्रोमोटर होल्डिंग देखता है। प्रोमोटर होल्डिंग 64.85% है। FII और DII का होल्डिंग थोड़ा थोड़ा करके लास्ट चार क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है। DII होल्डिंग पांच क्वार्टर लगातार थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। जून क्वार्टर के हिसाब से FII होल्डिंग 6.04% है और DII होल्डिंग 6.53% है। फिनेंशियल्स थोड़ा समझेगा, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। FI 20 में 57% टॉप लाइन ग्रोथ था, FI 21 में 80%, FI 22 में मैनेजमेंट टारगेट दिया था FI 22 के लिए 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेगा, एंड दे हैव डन इट, सक्सेसफुली डन इट। 2040 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया है 2022 में, 47% टॉप लाइन ग्रोथ। एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिला है, मगर एबिटा मार्जिन थोड़ा स्क्वीज हुआ है ऑब्वियसली, करीब 8.6% था FY 19 में जो अभी 5.6%, और पैट मार्जिन भी स्क्वीज किया है, 4% था 2% हुआ है ये चार साल में। ऑब्वियसली इतना एक्विजिशन कर रहा है, केपिक्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका डेट थोड़ा बढ़ेगा। डेट 254 करोड़ है, थोड़ा सा डेट, थोड़ा सा इंटरनल एक्विजिशन, इस हिसाब से इसका केपिक्स हो रहा है। 254 करोड़ का डेट है अभी, लॉन्ग टर्म डेट, और डेट इक्विटी रेशियो 0.84 का दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% एंड 16.8% रेस्पेक्टिवली। पी थोड़ा, वो पी 138 का दिख रहा है, पी अपेरेंटली थोड़ा हाई लग सकता है, मगर पी तो एक रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया, तो इसका कोई बेंचमार्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इस टाइप का कंपनी लिस्टेड स्पेस में तो है नहीं। आप इसका टेस्टी बाइट्स या हिंदुस्तान क्या बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोग मेन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है और हिंदुस्तान फूड्स थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है। एफएमसीजी सेगमेंट में थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, फार्मा सेगमेंट में उसके साथ भी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। और वरुण बेवरेज थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, मगर दे आर कन्फाइंड ओनली इन टू बेवरेजेस, तो ये पेप्सिको के लिए मैन्युफैक्चर करता है, तो आप उसके साथ भी इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड 138 पी पे ट्रेड कर रहा है FY 22 के हिसाब से। तो रिस्क समझ लीजिए, प्रीडोमिनेंटली एफएमसीजी जो सेक्टर है, इसमें अगर स्लो डाउन आता है तो ऑब्वियसली इस कंपनी में एक एडवर्स इम्पैक्ट आना, मतलब आने का हाई चांसेस है। इन्फ्लेशन हाई है तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन करता ही है, और इस कंपनी काफ़ी मतलब फुल्ली डिपेंडेंट, अभी तो फुल्ली डिपेंडेंट है, हो सकती है डाइवर्सिफाई कर रहा है, उससे रेवेन्यू जनरेशन FY 23 में शुरू हो जाएगा, तो वो एक एरिया ऑफ होप है कंपनी के लिए। तो कंपनी इतना साल से अच्छा कर रहा है, एंड जो दिख रहा है अभी बेस्ड ऑन करेंट असेसमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के, और जैसा ये एक्विजिशन कर रहा है, मार्जर कर रहा है, तो उसके हिसाब से आगे चल के इनका जो टारगेट बोल रहा है कि और रेवेन्यू एडिशन होगा, तो ये इसका पॉसिबिलिटी तो है। काइंडली नोट दिस इज नॉट अ बाय योर सेल रिकमेंडेशन, एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपको कोई डाउट है किसी कंपनी में, आपके पोर्टफोलियो में आपको आप फंस गए हो, आपका कंपनी जिसमें आप पोजीशन बनाया हो वो अपने हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो राइट इन माय कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो। हम सेपरेट वीडियो लेके पूरा उस कंपनी का रिसर्च लेके आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।